अभी देखो यहाँ पे पीछे की ओर हमारा टेंट वगैरह है, तो अब आपको एक बार अपना टेंट दिखा देता हूँ। तो देखो भाई ऐसा कुछ हमारा टेंट है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, ऐसा कुछ हमारा टेंट है और हमने 300-300 में सबका जुगाड़ वगैरह करा दिया है। तो अगर ये स्पेशली जिनके साथ फैमिली है, लेडीज वगैरह है, तो उनके लिए स्पेशली रूम वगैरह मतलब पूरा डोरमेट्री है। तो यहाँ तो भैया फाइनली हमारा जो रूम वगैरह का सेटिंग हो गया, मतलब रूम नहीं है पूरा डोरमेट्री है, तो अपने को कॉमन में सब सोना पड़ेगा, सबके लिए पर्सनल बेड वगैरह है, बाकी नहाने धाने की सुविधा बाहर वगैरह है, तो ऐसा कुछ हो गया जुगाड़। तो यहाँ पे जो होटल का रेट्स वगैरह था पर पर्सन 500 रुपये पड़ रहा था सबको, पर हमने 300-300 में सबका जुगाड़ वगैरह करा दिया है। तो देखो हम बहुत आगे आ गए, मतलब यहाँ पे लास्ट ये वाला रिसोर्ट है वहाँ पे हमने रखा हुआ है, देखो पीछे की ओर भी है रिवर व्यू रिसोर्ट करके, और पीछे की ओर मेन ब्रिज है जहाँ से मतलब गौरीकुंड के लिए अपना टैक्सी वगैरह मिलेगा, तो सुबह में फटाक से हमको टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ से, तो ईजी रहेगा थोड़ा बहुत। तो बस ऐसा कुछ जुगाड़ वगैरह कर लिया है, और देखो यहाँ पे ऊपर की ओर है, आपको दिख रहा होगा पीछे की ओर, यहाँ पे सीढ़िया वगैरह चढ़ के सीधा जाते हैं ऊपर की ओर, और अपना रूम वगैरह जो बेड वगैरह है आपको ले लेता हूँ, बाद में आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं अच्छे से। तो भाई फाइनली जो हमारा रूम वगैरह का जुगाड़ था वो आपको अभी बताया मैंने कर लिया है, तो हम ऊपर की ओर आ गए हैं। तो एक बार देख लीजिए यहाँ से पीछे की ओर का नज़ारा है पूरा, एक बार देख लीजिए केदारनाथ की जो यात्रा है वहाँ का। तो यहाँ से ऐसे पीछे की ओर खूबसूरत सा नज़ारा मिल जाएगा, और ये पूरे का पूरा ऐसा रिसोर्ट जैसा बनाया हुआ है मतलब। तो यहाँ पे हमने रहने का हमारा जुगाड़ वगैरह कर दिया है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है इसके अंदर, तो सभी आपको पूरा चलो पहले दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर की ओर आने की सीढ़ियाँ जहाँ पर नीचे अभी हम खड़े थे, तो यहाँ से जैसे आप ऊपर आ जाओ तो यहाँ पर ऐसा आपको देखो ये पूरा मिल जाएगा ऐसा रिसोर्ट जैसा पूरा ही मतलब। तो ये जो नाम है रिवर व्यू रिसोर्ट करके नाम है पूरा, देखो यहाँ से तो यहाँ पे दो तरफ आपको अलग अलग बेड्स वगैरह मिल जाएंगे, देखो ये वाला। तो अगर ये स्पेशली जिनके साथ फैमिली है, लेडीज़ वगैरह है, तो उनके लिए स्पेशली रूम वगैरह मतलब पूरा डोरमेट्री है, तो यहाँ पे आपको कॉमन में मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह भी है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है। और हमारा जो है वो सामने की ओर है जेंट्स की ओर, यहाँ नाम वगैरह है देखो प्रयाग रिवर व्यू रिसोर्ट, तो ऐसा कुछ जुगाड़ है। इस तरफ आपको देख रही है सब कॉमन में, यहाँ पर टॉयलेट वगैरह है, यहाँ पे इस तरफ वेस्टर्न वाले हैं, और आगे की ओर आपको थोड़ा जाओगे तो वो वाला मिल जाएगा, यहाँ पे सिंक वगैरह है देखो ऐसा कुछ जुगाड़ वगैरह है फिलहाल का। और इस तरफ आपको अपना मिल जाएगा कॉमन में बाथरूम वगैरह, यहाँ पे आप नहा सकते हो, पर मेन चीज़ यहाँ पे ये यह है कि आपको गीज़र वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नहा सकते हो, गर्म पानी वगैरह का भी जुगाड़ सब कुछ है। और हम जहाँ पर रह रहे तो ये वाला है G1 वाला, देखिए यहाँ पर, तो ये पूरा हमारा है कॉमन वाला देखो। तो हमने ये वाला लिया है, तो हमने है ना लास्ट वाला पसंद किया बेड वगैरह, अभी फिलहाल शायद कोई है नहीं यहाँ पे, तो लास्ट वाला देखो दो बेड है, तो इस तरफ दो बेड लिए, ये वाला दो बेड, तो ये वाला दो बेड आपको मिल जाएगा, पीछे का चार्जिंग पोर्ट है तो मतलब हमको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, और दो बेड इस तरफ लिए है ताकि दूसरे दो और चार्जिंग पोर्ट हमको मिल जाए, तो इस तरह सामने सामने ये दो इस तरफ के और इस तरफ के दो, मतलब टोटल हमने ऐसे ये और ये चार बेड इस तरह से हमने लिए पूरे। तो ऐसा कुछ है यहाँ से, जैसे आप सुबह में पर्दा खोलोगे भाई तो सब प्यारा सा पीछे की ओर का आपको व्यू वगैरह मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है यहाँ पे कि सुबह से जो टैक्सी वगैरह लगती है गौरीकुंड जाने के लिए यहाँ से, और गौरीकुंड से मतलब हमारा चालू होता है ट्रैक केदारनाथ के लिए, तो मेन जो गौरीकुंड का टैक्सी लगती है वो पीछे की ओर देख रहे हो लाइन से, आपको मैंने बाहर दिखाया तो लाइन से सब टैक्सी वगैरह लग रही है, तो हमको जाने में भी इजी वगैरह पड़ेगा। और यहाँ पे इन लोग का रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो खाना वगैरह खाना है तो यहाँ पे भी खा सकते हैं और बाहर भी खा सकते हैं, तो ऐसा कुछ जुगाड़ वगैरह कर सकते हैं। देखो ये वाला, इसके यहाँ पे हमने क्या क्या मिल रहा है, एक इसके अंदर बेड मिल जाएगा आपको, ऐसा एक पूरा जाड़ा रजाई वगैरह मिल जाएगी, बहुत जाड़ी है भाई, तो इसके अंदर ठंड वगैरह लगे नहीं, तकिया वगैरह है, चार्जिंग पोर्ट से मतलब जो नॉर्मल अपने को चाहिए सभी चीज़ मिल जाएगी। तो भाई फाइनली हमको ये कितने में पड़ा, तो फाइनली हमको ये जो पर पर्सन का बेड है तो पर पर्सन के हिसाब से हमको 300 रुपये का पड़ा, जो कि बेस्ट ऑप्शन है भाई यहाँ पे। तो अगर आप कोई भी रूम वगैरह ले रहे थे, बहुत जन को पूछा तो पर पर्सन मिनिमम 500 रुपये तो पड़ ही रहा था, पर यहाँ पे हमको जुगाड़ वगैरह हो गया, डोरमेट्री सब कुछ मतलब जो चाहिए अपने को है,
बाकी और क्या चाहिए, बस इतना चीज़ है। यहाँ से सुबह में अपने जल्दी 5 बजे के आसपास तकरीबन निकल जाएंगे। तो बस ऐसा कुछ पूरा सीन है फिलहाल का। अभी देखो यहाँ पे पीछे की ओर हमारा टेंट वगैरह है, तो अब आपको एक बार अपना टेंट दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे जाओगे आप ऊपर चढ़ने का आएगा, यहाँ टेंट की बाहर की ओर यहाँ पे शौचालय वगैरह है, वो मतलब खुला वाला नहीं, बाजू की ओर शौचालय वगैरह है। और इस तरफ आइए, अभी बहुत ज़्यादा भाई हैवी वाली बारिश हो रही है, तो मैं छाता लेके घूम रहा हूँ। देखो ऐसा कुछ छाता वगैरह रख के ही मैं घूम रहा हूँ। और ये पीछे की ओर हमारा टेंट है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया भाई हर जगह पे नीचे। ये हमारा टेंट है, खोलो अपा। खरी खोल लीजिए, छतरी पकड़ो ना, छतरी पकड़ा लीजिए। देखो तो देखो भाई ऐसा कुछ हमारा टेंट है यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, ऐसा कुछ हमारा टेंट है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके केदारनाथ। तो बाबा के धाम में पहुंचने के लिए बहुत कुछ भाई, सब कुछ वसूल है भाई यहाँ पे आके। देखो